हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल। बीसीए की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे, बीसीए का एक पेपर पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या है, बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बिजनेस कम्युनिकेशन में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया था, पूरा आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और राइटिंग पढ़ रहे थे। ठीक है, कि बिजनेस राइटिंग कैसे होती है। हम लोग ने लेटर राइटिंग पढ़ ली थी, हम लोग पिछली क्लास में रिपोर्ट राइटिंग पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट भी आप लोग को बताया गया था क्या क्या होती है। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस। ठीक है, कि गुड बिजनेस रिपोर्ट बनाने के लिए क्या क्या चीज बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या चीज जरूरी है। पहला है हमारा क्लियरिटी ऑफ पर्पस। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, आप जो रिपोर्ट बना रहे हैं, जो भी रिपोर्ट आप तैयार कर रहे हैं उसका पर्पस क्या है। ठीक है, पर्पस मतलब होता है किस कारण से वो रिपोर्ट बन रही है, वो क्या होना चाहिए, वो एकदम क्लियर होना चाहिए, सबको एकदम क्लियर होना चाहिए। जितने भी लोग उस रिपोर्ट को पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे, या कितने भी लोग उस रिपोर्ट से इफेक्ट होंगे, ठीक है, जितने लोगों के ऊपर भी वो रिपोर्ट का असर पड़ेगा, जो भी पढ़ेगा या जिसने भी लिखा है, सबके माइंड में क्या होना चाहिए, पर्पस क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, रिपोर्ट पढ़ के सबको क्या लगना चाहिए, सेम पर्पस समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये ना हो कि इतना कंफ्यूजिंग रिपोर्ट हो कि किसी को सेल की रिपोर्ट समझ में आए, किसी को परचेज की रिपोर्ट समझ में आए, तो ऐसा नहीं करना है। क्या करना है, हमें क्लियर बनाना है, क्लियरिटी रखनी है। ठीक है, ये पहला हो गया एसेंशियल। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका क्या है, कंसिस्टेंसी। ठीक है, दूसरा है कंसिस्टेंसी। ठीक है, इसका मतलब होता है कि आपको हमेशा, जैसे आप लोग अब नॉर्मल भाषा में सुनेंगे, लगातार, कंटिन्यू। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार वो काम हो रहा है, तो वैसे क्या करनी है, कंसिस्टेंसी बनानी है। इससे क्या होगा, पहली बात तो लगातार हर काम होगा, पहली चीज, और दूसरी चीज क्या होगी कि कोई भी आप अगर हर चीज में रेगुलरिटी बना रहे हैं तो कोई भी चीज ना आपसे खोएगी, लूज नहीं होगी, और आप हर चीज के बारे में क्या रहेंगे, अपडेट रहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको डेली वही काम करना है, डेली वही चीज देखना है, इंफॉर्मेशन लेनी है डेली, तो आप क्या रहेंगे, हमेशा अपडेट रहेंगे। ठीक है, आपसे कोई भी कुछ पूछेगा तो आप इतने कंसिस्टेंस हैं कि आप उसको बता सकते हैं। ठीक है, देखिए, अगर किसी ह्यूमन बींग के लिए यूज करेंगे तब आप यूज करेंगे कि वो कंसिस्टेंस है। ठीक है, ठीक है, क्या है, कंसिस्टेंस। अगर किसी काम के लिए करेंगे तो उसको करने के लिए क्या चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये दो एसेंशियल पर्पस अभी हम लोग देखा। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव। आइए, तीसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है दोस्तों, देखिए, पर्पस और ऑब्जेक्टिव आपका यहां पे सेम काम करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब भी होता है कि किस कारण से हम वो बना रहे हैं रिपोर्ट। ठीक है, और पर्पस मतलब भी होता है एक तरह से कारण, बस एक तरह से क्या है, नाम अलग है। ठीक है, पहले में क्या कहा है कि पर्पस आपका क्लियर होना चाहिए, और दूसरे में क्या होना चाहिए कि कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए उस रिपोर्ट बनाने का। ऐसे ही बस ये नहीं कि खाली बैठे तो रिपोर्ट बना दे, नहीं, क्या होगा, रिपोर्ट बनाने के लिए जरूरत चाहिए, उसके लिए हमें वो चीजें चाहिए। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी सामान बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, कोई भी फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। ठीक है, इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी सामान को पूरा बनाने के लिए हमें कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल। तो वैसे ही किसी भी रिपोर्ट को बनाने के लिए हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इंफॉर्मेशन कैसा काम करता है, इंफॉर्मेशन रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, किसके लिए, एक प्रॉपर और अच्छी रिपोर्ट के लिए। तो रिपोर्ट बनाने का कोई बहुत वाजिब कारण होना चाहिए, या आप कंसिस्टेंस बेसिस पे बना रहे हैं, रेगुलर बना रहे हैं, हफ्ते पे बना रहे हैं। हमने आप लोग को बताया था कि रिपोर्ट कैसे बनती है, मतलब किस किस समय पे बनती है, आइए एक बार देख लेते हैं। ठीक है, या वो हो जाएगी आपकी डेली बेसिस पे, वीकली पे, ठीक है, मंथली पे,
क्वार्टरली पे, ईयरली पे, ठीक है। तो अब देखिए जैसे ईयरली वाला है तो अब आप लोग सोचेंगे सर इसमें तो कंसिस्टेंसी हो ही नहीं रही है। हो रही है, क्या इसकी कंसिस्टेंसी है कि हर साल हमें रिपोर्ट बनानी है, डेली की क्या है, रोज बनानी है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो किस पॉलिसी पे काम करता है। अगर वो डेली के पॉलिसी पे काम करता है तो इसके लिए कंसिस्टेंसी क्या हो जाएगी, रोज, ठीक। वीकली के लिए हर हफ्ते, मंथली के लिए हर महीने, क्वार्टरली के लिए हर तीसरे महीने, और ईयरली के लिए हर साल। तो हर साल बना रहे हैं तो उसमें हर साल की आएगी, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या, ये जो भी रिपोर्ट बनानी है, ठीक है, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है। परचेज हो सकता है ऑब्जेक्टिव, आपको हमेशा परचेज रिपोर्ट बनानी हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर रोज का रोज बनाना है परचेज का रिपोर्ट तो डेली में, पूरे हफ्ते का बनाना है तो एक हफ्ते वीकली में, मंथली का मंथली में, ठीक है। तो ऐसे क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगला क्या है, एक्यूरेसी। आइए देखते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होती है, एक्यूरेसी मतलब होता है जो भी रिपोर्ट हमारी बने वो सही बने, ठीक है। एक्यूरेसी इससे आया है, एक वर्ड होता है एक्यूरेट, ठीक है। एक्यूरेट मतलब होता है एग्जैक्ट वही चीज हम लिखें, या अगर एग्जैक्ट वही चीज नहीं लिख पा रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, मीनिंग एग्जैक्ट वही आना चाहिए। आप लोग एग्जाम देते हैं, आंसर लिखते होंगे भाई, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते होंगे, ठीक है। तो आपसे एग्जैक्ट बुक की लैंग्वेज नहीं लिखवाई जाती है, आपसे जो भी चीज लिखवाया जाता है उसकी मीनिंग वही आनी चाहिए एग्जैक्ट, क्या जो बुक में लिखा है, ठीक है। जैसे देखिए एक चीज होता है, जैसे हम आप लोग को यहाँ पे एक छोटा सा इंग्लिश का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। राम हेल्प्स हरी, ठीक है, और एक कह देते हैं हरी इज हेल्प्ड बाय राम, ठीक है। अब देखिए ये हमने एक एग्जाम्पल लिख लिया, क्या राम हेल्प्स हरी, पहले में हम क्या कर रहे हैं, राम हरी की मदद कर रहा है, ठीक है, और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं, हरी की मदद राम के द्वारा हुई है, ठीक है। अब यहां पे देखिए ध्यान से सुनिएगा, लिखने का तरीका अलग हो गया है पर मीनिंग क्या है, वही आ रही है। ऐसा नहीं कि दूसरे में हरी ने मदद कर दी राम की, नहीं, दूसरे में भी राम ने ही मदद की है हरी की। पहले में हमने डायरेक्ट बोल दिया कि राम ने हरी की मदद की, और दूसरे में हम क्या कह रहे हैं, दूसरे में कह रहे हैं कि हरी की मदद राम के द्वारा हुई है, समझ में आ गया। तो यही चीज अंतर होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, एक्यूरेसी जरूरी है। आप वो पढ़िए, आप मीनिंग हूबहू वही दीजिए, कौन सी, जो आपके पास आंसर की है, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, पर ये नहीं कि आप उसमें ए फॉर एप्पल लिखना है तो आप अखरोट लिख डालिए, नहीं, आपको एप्पल ही लिखना है पर अपनी भाषा में समझाना है, ताकि क्या हो जाए, मैसेज सबको समझ में आ जाए, ठीक है। आइए अगला है, कीप द यूजर इन माइंड, ठीक है। अब देखिए रिपोर्ट बनाते समय आप लोग को पहली क्लास से पढ़ाया जा रहा है, रिपोर्ट के लिए तो नहीं पर पहली क्लास से कम्युनिकेशन में एक ही चीज पढ़ाई जा रही है कि जो भी आपका क्या हो, रिसीवर हो, ठीक है, रिसीवर हो, उसके अकॉर्डिंग ही हमें कम्युनिकेट करना है। क्या हो, जो भी रिसीवर हो उसके अकॉर्डिंग हमें कम्युनिकेट करना है। अगर वो अच्छे बैकग्राउंड का है, मतलब अच्छे कहने का मतलब पैसे से नहीं, पढ़ा लिखा, ठीक है, अगर वो पढ़ा लिखा है और उसको इंग्लिश की पकड़ अच्छी है तो आप वहां पे इंग्लिश के अच्छे शब्द यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसको समझ में आएगा। हाँ इंग्लिश कमजोर है थोड़ा सा, उतनी अच्छी पकड़ नहीं है तो आप सिंपल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो वही चीज यहां भी है, क्या, कीप द यूजर इन माइंड। तो जो भी यूजर होगा उस रिपोर्ट को, जो भी यूज करेगा, तो हम रिपोर्ट ऐसी बनाएंगे कि वो यूजर जब भी पढ़े तो उसे क्या हो जाए, उसे समझ में आ जाए, उसे क्लियर हो जाए, उसे पर्पस समझ में आ जाए, ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, आप कीप द यूजर इन माइंड जरूर रखेंगे। ये सिर्फ रिपोर्ट के लिए नहीं है, आप जब भी सिंपल कम्युनिकेशन भी करेंगे तो आप रिसीवर को हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ही रिसीवर का अलग नाम दे दिया है, यूजर। यूजर क्यों कह दिया, क्योंकि रिपोर्ट है, उसको कोई ना कोई यूज करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसीलिए आप लोग देखिए एग्जाम के बाद क्या आता है, रिजल्ट आता है, उसको क्या बोलते हैं, रिपोर्ट कार्ड भी बोलते हैं, क्यों, आपकी वो रिपोर्ट रहती है, आपको उसमें अपडेट रहता है। अगर उसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग होगा ना तो रिसीवर आप हैं या आपके पेरेंट्स हैं, नहीं समझ में आएगा। पर अगर वो सिंपल रहेगी तो सभी लोग क्या करेंगे, उसको समझ लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे, बार बार टीचर से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आखिरी है इसमें,
इंटरेस्टिंग एंड प्रेजेंटेबल। ठीक है, इंटरेस्टिंग कहने का मतलब है कि उसमें ऐसे फैक्ट्स डालिए कि लोगों का ध्यान उस पर आकर्षित हो। ठीक है, क्योंकि आप कहाँ काम कर रहे हैं, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में। ठीक है, इंटरेस्टिंग का ये कतई मतलब नहीं है कि आप उसमें चुटकुला डाल दीजिए कि रिसीवर पढ़ के बहुत खुश हो जाए, हंसने लगे। ठीक है, नहीं, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं तो हमें रिपोर्ट में कुछ ऐसे फैक्ट डालने पड़ेंगे जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करे, इंटरेस्टिंग हो जाए। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रेजेंटेबल। प्रेजेंटेबल का मतलब ये होता है कि हम अपने आप को या अपने रिपोर्ट को ऐसे प्रेजेंट करें कि वो अगले आदमी के सामने हम रख सकें। ठीक है, ये नहीं कि हमें रिपोर्ट बनानी है, हमें स्ट्रक्चर पता है किस तरह बनेगा, पर हम नहीं, हम जो मन किया वो लिखते चले गए, जहाँ मन किया वहाँ लिख दिए। तो अब ये अगले आदमी को देंगे तो वो नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, कोई भी रिपोर्ट बनाना, कोई भी आंसर लिखना, कोई भी काम करना, चाहे आप जिस लेवल के एम्प्लॉय हों, ठीक है, अगर वो प्यून भी है और या मैनेजर भी है या उसके ऊपर है, सबका काम करने का तरीका होता है, एक उनको स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है, प्यून बहुत लिखा पढ़ी का काम नहीं करेगा, पर उसका काम करने का तरीका अलग है। ठीक है, जो लिखा पढ़ी काम करेंगे उनको वहां पे लिखते समय, रिपोर्ट बनाते समय, कंप्यूटर पे काम करते समय हर चीज का क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है। तो आपको सिंपली वो फॉर्मेट क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, ताकि क्या हो जाए, वो प्रेजेंटेबल हो जाए और सबको एक साथ समझ में आ जाए। ठीक है, अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ लिया, एसेंशियल ऑफ गुड बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, इसमें पहला क्या पढ़े थे आप, हम लोग एक बार इसको थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। एक बार पहला पढ़े थे हम लोग क्लियरिटी ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, क्लियरिटी ऑफ पर्पस पहला पढ़े थे। ठीक है, एक पढ़े थे ऑब्जेक्टिव, एक क्या पढ़े थे, एक्यूरेसी। ठीक है, एक पढ़े थे कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी हो गया, एक्यूरेसी हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, कीप द यूजर इन माइंड, ठीक है, एक दो तीन चार पांच, और छठवां आखिरी अभी हम लोग क्या पढ़े हैं दोस्तों, आखिरी हम लोग पढ़े हैं इंटरेस्टिंग एंड प्रेजेंटेबल। इंटरेस्टिंग एंड प्रेजेंटेबल, ठीक है, ये छह चीजें हैं। ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके रिपोर्ट को क्या बनाती हैं, इंपॉर्टेंट बनाती है, सिंसियर बनाती है और इफेक्टिव बनाती है। ठीक है, ये छह चीजें। आगे हम लोग देखते हैं स्टेज ऑफ राइटिंग अ बिजनेस रिपोर्ट। अब देखिए, जैसे हम लोग ने लेटर देखा था, लेटर में आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट स्टेज बताए थे, तरीका बताए थे, डेट, हेडिंग, बॉडी, सब्जेक्ट क्या, और खत्म करने कंक्लूजन, ये सब बताया गया था। वैसे ही रिपोर्ट लिखने का भी बताते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं स्टेजेस ऑफ रिपोर्ट ठीक है, स्टेजेस ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। पहला क्या होता है, पहला है प्री राइटिंग स्टेज। प्री मतलब क्या होता है, और एक होता है पोस्ट। ठीक है, प्री मतलब होता है पहले और पोस्ट मतलब होता है बाद में, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखिए, प्री मतलब होता है पहले और पोस्ट मतलब होता है बाद में। एक होता है पोस्ट का जनरल मीनिंग होता है कि हम जिस मुकाम पे हैं या जिस जगह हम काम कर रहे हैं वहाँ पे हमारा औहदा क्या है, उसको भी लोग क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, पर उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक तरह से डेजिग्नेशन। ठीक है, यहाँ पे जब प्री और पोस्ट है तो प्री का मतलब है कि पहले रिपोर्ट बनाते समय क्या स्टेज होगी। ठीक है, प्री राइटिंग स्टेज, लिखने से पहले हमें कौन कौन से चीजें कलेक्ट करनी है और किस प्रकार से उसको लिखना है। ठीक है, आइए, प्री राइटिंग स्टेज है ठीक है, इसमें पहला है
व्हाट इज द पर्पज ऑफ रिपोर्ट। दूसरा पहले लिख लेते हैं फिर समझाते हैं। Who are the user of the report? तीसरा है What all needs to be covered in रिपोर्ट? ठीक है। चौथा है एनालिसिस ऑफ अवेलेबल डाटा। ठीक है, आइए अब प्री राइटिंग स्टेज, ये पहला स्टेज है बिजनेस रिपोर्ट लिखने का। अब लिखने से पहले हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए कि पर्पस क्या होना चाहिए रिपोर्ट का। ठीक है, देखिए दोस्तों ध्यान से सुनेंगे, पर्पस हमेशा बहुत ही जरूरी है। रिपोर्ट का पर्पस क्या है, कारण क्या है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, हु आर द यूजर। अभी हमने क्या पढ़ा था एसेंशियल में कि काइंड ऑफ यूजर, तो यहां पे भी वही हो गया कि यूजर किस प्रकार का है और कौन है। ठीक है, हु आर द यूजर, यूजर किस प्रकार का है और कौन है। तीसरा क्या है, वॉट All needs to be covered in report. Report में क्या क्या आवश्यक चीजें हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिनको हम क्या करें, कवर कर सकें। ठीक है, तो ये तीन चीजें हो गई। और सबसे आखिरी चीज है इसमें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, एनालिसिस ऑफ अवेलेबल रिपोर्ट या डेटा। ठीक है, डेटा होगा। ठीक है, जो भी आपको डेटा दिया गया है, डेटा कहने का मतलब इंफॉर्मेशन दी गई है, उस फैक्ट दिए गए हैं उस रिपोर्ट को बनाने के लिए, वो आपको एनालाइज करना है कि उसमें से क्या क्या जरूरी है लिखना चाहिए और क्या जरूरी नहीं है। कभी कभी क्या होता है, सब चीजें नहीं लिखी जाती हैं, सिर्फ क्या लिखी जाती हैं, जरूरी चीजें। तो वो आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू राइट इन दिस रिपोर्ट एंड व्हाट इज नॉट, क्या जरूरी है इस रिपोर्ट में लिखने के लिए और क्या नहीं है। ठीक है, हम लोग ने देख लिया कि अब लिखने से पहले हमें क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, आइए दूसरा क्या है, राइटिंग स्टेज। पहला प्री राइटिंग स्टेज था, दूसरा आपका है राइटिंग स्टेज। राइटिंग स्टेज क्या है, प्री राइटिंग स्टेज से एक स्टेप आगे। ठीक है, प्री राइटिंग स्टेज से एक स्टेप आगे। अब इसमें रिपोर्ट को लिखा जाता है, पहले हमने एनालाइज कर लिया, पर्पस देख लिया, यूजर देख लिया, सब चीज कर लिया। अब हम यहां पे रिपोर्ट को लिखेंगे। इसमें क्या होता है, पहले हो जाता है फ्रंट मैटर। ठीक है, फ्रंट मैटर में आपका हो जाएगा कवर, टाइटल एक्सेट्रा। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा इसमें मेन बॉडी। मेन बॉडी में आपका हो जाएगा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन डिस्कशन, ठीक है, एनालाइज फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन एक्सेट्रा। ठीक है, और तीसरी स्टेज इसमें हो जाएगी, तीसरी हो जाएगी बैक मैटर। बैक मैटर में क्या हो जाएगा, ग्लॉसरी
और बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये तीन चीजें हैं आपका किसमें है, राइटिंग स्टेज में। पहला क्या है, फ्रंट मैटर, इसमें क्या लिखते हैं, कवर, टाइटल, पेज, ये सब लिखते हैं। ठीक है, कि एक तरह से मान लीजिए रिपोर्ट बहुत ज्यादा है, कई पेज की है, तो हम क्या करेंगे उसमें इंडेक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग के बुक में क्या होता है, इंडेक्स होता है, सबसे पहले क्या होता है, बुक पे एक कवर लगा होता है। कवर करने का मतलब जो हम लोग लगाते हैं वो नहीं, जो हमारी बुक का क्या होता है पहला पेज, जिसको हम क्या कहते हैं दफ्ती वाला पेज, ठीक है, वो कवर होता है, तो कवर लगा होता है उसमें, उसके अंदर इंडेक्स होता है, तो वही हो गया क्या, कवर, टाइटल पेज और पेज नंबर। तो इंडेक्स के हिसाब से चैप्टर वन पेज नंबर 1 से शुरू है, 10 पे खत्म है, चैप्टर टू पेज नंबर 11 पे शुरू है, 20 पे खत्म है, तो ये हमारा इंडेक्स में आ जाएगा, टाइटल में आ जाएगा, पेज नंबर हो जाएगा। ठीक है, किस पेज नंबर पे हमें कौन कौन सी रिपोर्ट की कौन कौन सी डिटेल पता है। ठीक है, ये चीजें हो गई। अगला क्या लिखा है, मेन बॉडी। मेन बॉडी में देखिए, पहले तो हम इंट्रोडक्शन देते हैं रिपोर्ट की। ठीक है, रिपोर्ट एक पेज का कभी नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, रिपोर्ट एक तरह से बुक की तरह हो जाता है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। ठीक है, एक दो पेज का क्या होता है, लेटर होता है, जो हमने बताया था आपको, बिजनेस करेस्पॉन्डेंस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, रिपोर्ट क्या है, किस बारे में है, फिर उसमें डिस्कशन भी होगा। ठीक है, क्या क्या लिखा गया है, किसने क्या उसमें अपनी राय दी है, तीसरा उस रिपोर्ट को एनालाइज किया जाएगा। देखिए पहले वाले में क्या था, क्या लिखना है उसको एनालाइज किया जाएगा, फिर लिखी हुई चीज को एनालाइज किया जाएगा, फिर उस रिपोर्ट से हमें क्या क्या फाइंडिंग्स है, क्या हमें फायदा है, क्या मिला है, वो देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद उस रिपोर्ट को देख के हम क्या रिकमेंडेशन कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने ऑफिस में, रिकमेंडेशन का क्या अच्छाई हम बता सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं। ठीक है, रिपोर्ट पढ़ के हम ये चीजें कर सकते हैं। तो हम आप लोगों ने देख लिया फ्रंट मैटर, मेन बॉडी। अब देखिए, कोई भी चीज जब लिखी जाती है, चाहे वो कहानी लिखी जाए, चैप्टर लिखा जाए, आपका लेटर लिखा जाए, आपका क्या कहते हैं ये रिपोर्ट लिखा जाए, सबका क्या है, एंडिंग एक होती है। ठीक है, एंडिंग क्या होती है, एक तरह से उसको एंड किया जाता है, ताकि ऐसा ना लगे पढ़ते पढ़ते अभी हमें लग रहा और होगा, खत्म हो गया, नहीं, हम उसको एक तरह से एंड करते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखते होंगे, तो मूवी भी आखिरी में एक एंडिंग में आती है। ठीक है, एंडिंग में आती है, वो ऐसे आती है कि लगता है खत्म हो गई, नहीं तो कुछ मूवी ऐसे एंड होती है लगता है इसका अगला पार्ट बनेगा। ठीक है, तो इसलिए एंडिंग जरूरी है। अब एंडिंग में हम क्या करेंगे, ग्लॉसरी और बिब्लियोग्राफी। देखिए ग्लॉसरी क्या होती है, जैसे आपने उसमें कोई शॉर्ट फॉर्म यूज किया है, वो सबको नहीं पता है, तो आपको वो शॉर्ट फॉर्म आखिरी में लिखना पड़ेगा कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब, जैसे मान लीजिए, आइए जैसे मान लीजिए रिपोर्ट में कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ठीक है, तो अब ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म लिखा है तो इसका मतलब क्या होता है, अकाउंट। ठीक है, तो जो लोग उस रिपोर्ट से परिचित हैं या उस डिपार्टमेंट से परिचित हैं, तो वो तो समझ जाएंगे, पर जो लोग एक्सटर्नल हैं, जो लोग बाहरी हैं और रिपोर्ट उनके लिए भी जरूरी है, तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, आखिरी में ये शॉर्ट फॉर्म लिखना पड़ेगा, और हमें ये दिखाना पड़ेगा कि शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है, ताकि वो भी क्या करें, समझ जाएं। ठीक है, एग्जांपल हो गया, आखिरी हम लोग क्या देख रहे हैं, आखिरी हम लोग देखेंगे, आखिरी स्टेज है रीराइटिंग स्टेज। ठीक है, रीराइटिंग स्टेज का मतलब होता है किसी भी चीज में अगर री जुड़ गया है, आर ई, तो मतलब किए हुए काम को हम फिर से करेंगे, समझ में आया, किए हुए काम को हम फिर से करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, री। ठीक है, लिखने को फिर से लिखेंगे रीराइटिंग। ठीक है, कोई चीज डिस्कवर हो गया, फिर से करेंगे रीडिस्कवर। ठीक है, रीओपन, तो ये सब क्या होगा, जिसके आगे भी आर ई लग गया ना, मतलब उसको क्या करना है, एक बार से ज्यादा कर रहे हैं, एक बार वो कंप्लीट हो गया है, दोबारा कर रहे हैं। ठीक है, आइए क्या लिखा है, रीराइटिंग स्टेज। इसमें क्या होता है, टोटली गो थ्रू ऑल द डिटेल्ड ऑफ द रिपोर्ट। रिपोर्ट में जो भी डिटेल दी होती है, जो भी डिटेल आपके रिपोर्ट में दी हुई है, उसको क्या करेंगे, हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और क्यों, हमने बताया कि अगर उस पब्लिक से रिलेटेड है, तो हमें पब्लिक में भी जारी करनी पड़ेगी रिपोर्ट, जैसे प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उप प्रधानमंत्री हैं, कोई भी है, वो अगर देश को संबोधित करते हैं, तो उसमें कोई भी फैक्ट्स देते हैं ना, वो रिपोर्ट बना के होती है। ठीक है, रिपोर्ट के थ्रू। ठीक है, और उसको क्या कहते हैं, फैक्ट्स को कई बार चेक किया जाता है, क्यों, क्योंकि अगर पब्लिक में हम वो फैक्ट्स दे रहे हैं, तो उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग आती है, लोग उस पर क्या कहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, और लोग उसमें समझते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या है,
हम जब इसमें रहते हैं किसमें रीराइटिंग स्टेज में, तो हम क्या करते हैं चेक द फैक्ट्स बिफोर पब्लिशिंग द रिपोर्ट। ठीक है, रिपोर्ट पब्लिश करने से पहले हम क्या कहते हैं रिपोर्ट को चेक कर लेंगे सभी फैक्ट्स। ठीक है, एक चीज और देखते हैं इसमें, डज द रिपोर्ट हैव ऑल द मेन पॉइंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसमें एक चीज और देख लेते हैं, आप जब रिपोर्ट पढ़ेंगे चेक करेंगे तो उसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है उसको देखेंगे, क्या डज द रिपोर्ट हैव ऑल द मेन पॉइंट। ठीक, क्या आपकी रिपोर्ट जो है आपकी रिपोर्ट हर मेन पॉइंट उसमें लिखा है कि नहीं, एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, सभी मेन पॉइंट उसमें दिए हो और क्या हो और आखिरी में कंप्लीट इंफॉर्मेशन वो देती हो। ठीक है, तो ये दो चीजें हम किसमें देखेंगे रीराइटिंग स्टेज में। तीन चीजें आप लोग देख लिए, क्या प्री राइटिंग स्टेज, राइटिंग स्टेज और रीराइटिंग स्टेज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे लेआउट एंड स्ट्रक्चर ऑफ बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, जैसे हम लोग ने बिजनेस करस्पोंडेंस का देखा था, ठीक है, वैसे ही अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे लेआउट एंड बिजनेस रिपोर्ट। ठीक है, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।